क्या आप भी अपने ढीले और लटके हुए ब्रेस्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं? आपके ब्रेस्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। आप चाहते हैं कि आपके ब्रेस्ट की ग्रोथ और ज़्यादा हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। आपकी ब्रेस्ट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है और आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं मुझे लड़कियों के, औरतों के, जिनकी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, या ब्रेस्ट की ग्रोथ रुक गई है, ब्रेस्ट बड़े नहीं हो रहे हैं, ब्रेस्ट स्मॉल हैं, छोटे हैं। तो आखिर क्या किया जाए? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करना चाहता है। अगर किसी लड़की को ये प्रॉब्लम है, तब भी वो किसी तक खुलकर बात नहीं करती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, ब्रेस्ट के लूज होने के, ढीले होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है एजिंग। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, बिल्कुल नेचुरल है आपके ब्रेस्ट का ढीला होना, लटक जाना, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ये चेंज हमारी बॉडी में होते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो गई है, तो शादी के बाद भी आपके बॉडी में चेंज आना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा हो गया है, बच्चा दूध पीता है, फीड करता है, तो उस दौरान भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज हो गए हैं, लटक गए हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ऐसा मानने लगती है कि कहीं सेगी ब्रेस्ट या फिर लटके हुए ब्रेस्ट से मेरी मेरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। ऐसे ही कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनके ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, और उनका उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चलते हैं। उनको लगता है कि यार, हमारे ब्रेस्ट और बड़े होने चाहिए, और ग्रोथ होनी चाहिए हमारे ब्रेस्ट की, क्योंकि लड़कियों का मानना ऐसा होता है कि ब्रेस्ट उनकी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो लड़कियां सोचती है कि यार, हमारे ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, और बड़े करने के चक्कर में वो काफ़ी कुछ ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी सारी केमिकल वाली क्रीमें वो मार्केट से खरीद लेती है, काफ़ी तेल वगैरह, ऑयल वगैरह, काफ़ी कुछ वो ले लेती है, और उसके बाद जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है और उनको साइड इफेक्ट होने लगते हैं, तब वो मेरे चैनल पर आते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, मैडम हमने ये क्रीम यूज करी, हमें साइड इफेक्ट हो रहा है, मैडम हमने ये बाई किया था, इतना महंगा क्रीम हमने लगाया था, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में प्रॉपर आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले, चाहे लड़कियाँ क्या गलती करती है, सबसे बड़ी लड़कियां औरतें गलती ये करती है कि वो किसी से पूछती नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट सर्च करती है। आजकल नेट सबके पास होता है, वो सर्च करती है, और वो उनको ये नहीं पता होता कि जिस प्रोडक्ट के बारे में वो देख रही हैं या कोई उन्हें बता रहा है, वो प्रोडक्ट उनके लिए सही है, सेफ़ है या नहीं है। इस चीज़ का पता हर औरत को, हर लड़की को होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप अपनी बॉडी पर लगा रहे हैं, जो चीज़ आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करने वाले हैं, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट आपको होगा। इन सारी चीज़ों की जानकारी रख कर ही आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करें, किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, ठीक है। अब लड़कियां यहां पर सोचती है कि यार, ठीक है, किसी ने मुझे बताया या मुझे कहीं नेट पर दिखा कि यहां इससे आपका ब्रेस्ट ग्रो हो जाएगा, ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा, या ब्रेस्ट सेगी है तो अच्छे से टाइट हो जाएगा, तो उसको मंगा लेती है, खरीद लेती है, और काफी महंगे इसके प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो काफी महंगे आते हैं, पैसा वेस्ट कर देती है, और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर वो मेरे पास आते हैं कि मैम, हमने यूज किया, रिजल्ट नहीं मिला, आखिर क्या किया जाए? तो ये वीडियो आप देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास है दो प्रोडक्ट, पहला है ब्रेस्ट इनलार्ज क्रीम, दूसरा है ब्रेस्ट टाइटनिंग जेल, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको पता नहीं रहेगा, तो आप गलत तरीके से इसको यूज करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब आपको क्रीम पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट इनलार्ज क्रीम, अगर आपको अपने ब्रेस्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्रीम का यूज करना है, देन अगर आपको ब्रेस्ट को टाइट करना है तो आपको जेल का यूज करना है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है, हमने देखा कि किसी ने बताया हमें ब्रेस्ट टाइट है, टाइट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो हम गलत चीज़ों का यूज कर कर अपनी आपको मतलब बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ आपको, ये 100% सेफ है आपके लिए, आपको इनको ज़रूर बाई करना चाहिए, इनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको इनको अप्लाई करके भी बताती हूँ, इनको कैसे लगाना है, कब कब लगाना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं, और प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे, नेचुरल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट नेचुरल है, केमिकल फ्री है। अगर हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो हमें साइड इफेक्ट देते हैं, और ये 100% श्योर है। कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हमारी स्किन पर सूट नहीं करता है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो ब्रेस्ट हो, कुछ भी चीज़ अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि उसमें नेचुरल चीज़ें कितनी मिलाई गई है और केमिकल कितने हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये 100% नेचुरल है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनको कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रेस्ट टाइटनिंग जेल की। ये जो जेल होता है ये स्पेशली उनके लिए होता है जिनके ब्रेस्ट ढीले हो गए, लटक गए, ठीक है, लूज हो गए मतलब, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कब आते हैं? मेरिड वुमन को ज़्यादा आते हैं, जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, जिनकी एज बढ़ती जा रही है उनके साथ होता है कि उनके ब्रेस्ट ढीले हो जाते हैं, लटक जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान आप ये वाला जेल यहाँ पर यूज कर सकती हैं, ठीक है।
लगाना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिर्फ इसकी दो तीन ड्रॉप निकालनी है, ठीक है। देन उसको आपको इसको मसाज करना है। मसाज आपको जब तक करना है जब तक कि ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व ना हो जाए। अच्छे से आपको इसको स्किन में ऑब्जर्व करवा लेना है। इस तरीके से आप मसाज करते रहिए। देन आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब इसके बाद आपको धोना नहीं है, इसको साफ़ नहीं करना है। ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा तो इसके ऊपर से आप कपड़े वगैरह अच्छे से पहन सकते हैं। किसी भी प्रकार का चिपचिपापन, आपको गीलापन फील नहीं होगा, अच्छे से स्किन के अंदर चला जाएगा। तो ये वाला जो जेल है आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। इसको आप अगर अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसको टू टाइम भी यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में आप यूज करिए, एक बार आप रात को सोते समय यूज करिए। काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे ये, तो इसको आप ज़रूर यूज करिए। एंड अब बात करते हैं जिन लड़कियों के ब्रेस्ट छोटे हैं और वो बढ़ाना चाहती है, ब्रेस्ट की ग्रोथ उनकी रुक चुकी है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ब्रेस्ट इनलार्ज क्रीम का यूज करिए। इसको भी मैं आपको लगाकर बता देती हूँ कैसे लगाना है। और क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी, देख सकते हैं आप क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है इसकी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसको ले लेना है अपनी ब्रेस्ट पर। देन आपको इसको मसाज करनी है इस तरीके से, ठीक है। मसाज करिए, 5 to 10 मिनट आपको मसाज करनी है, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए आपके स्किन में, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मसाज करिए। और इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट करेगी। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है। देन आपको इसको साफ़ नहीं करना है, ओवरनाइट इसको छोड़ देना है अपने ब्रेस्ट के ऊपर मसाज करके अच्छे से। अच्छा रिजल्ट जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप इसको भी दो टाइम लगाइए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट को सोते समय। और दोनों ही टाइम लगाने के बाद आप अच्छे से कपड़े वगैरह सब वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्रीम आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगी। तो आपको ये नहीं लगेगा कि कपड़े गंदे हो जाएंगे या चिपचिपापन है, बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा। आप देख लीजिए, बिल्कुल क्रीम गायब हो गई है। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनको जरूर बाय करना चाहिए। 100% नेचुरल है, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। इवन आप केमिकल फ्री अगर कुछ पाना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो इनको जरूर ट्राई करिए। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसी ब्रांड है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट है ब्रेस्ट से रिलेटेड, जिनमें भर भर के केमिकल मिलाया जाता है और लड़कियाँ समझ नहीं पाती है और उन्हें बाय कर लेती, फिर वो पछताती हैं। तो अगर आप नेचुरल चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये दो प्रोडक्ट आपको जरूर बाय करने चाहिए ब्रेस्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल करके आप पूरी डिटेल जान सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से भी आप इन प्रोडक्ट को इजीली खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।